मैं और मुन्ना सिंह चौहान बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई ये बॉबी पवार है यहाँ पर, जो बोला मैंने इसको कभी देखा नहीं है, और हो सकता है कि ये जो अब आने वाले समय में आपको निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो देखने को मिलेंगे, उस चुनाव के आते आते ये सारे जो अग्निवीर हैं ये आपको दाएं बाएं होते दिखे। लेकिन हरीश रावत ने सरेंडर कर दिया, प्रीतम सिंह ने सरेंडर कर दिया, यशपाल आर्य ने सरेंडर कर दिया, करण महाराज सरेंडर मोड में थे, हरक सिंह सरेंडर मोड में थे छापे के बाद में। तो अल्मोड़ा की जीत में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो यशपाल आर्य का माना जाएगा। अगर हम जिस तरह से मार्जिन घटे हैं, बीजेपी का वोट ही 5% उत्तराखंड में घट गया है, कहा तो बीजेपी 75% का नारा दे रही थी कि हम 75% वोट लाएंगे, और कहा वो पिछली बार से 5% वोट कम हो गया है उनका। कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के अभी एक हफ्ते के बीच दो बयान आए, उन्होंने चार धाम यात्रा की विफलता को लेकर मुखर होकर कहा है, अभी तक ये सब बोला नहीं जाता इस प्रदेश के भीतर में। उन्होंने जो बाबा सानी जो सुसाइड केस हुआ उसमें उन्होंने फ्रंट फुट आकर कहा कि उत्तराखंड की सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। ये बात धामी के लिए बहुत चुनौती है, ये चुनौती इसलिए बढ़ने वाली कि अभी तक जितने लोग थे वो सरकार के बारे में, सरकारी मशीनरी के बारे में बोलते नहीं थे, लेकिन ये त्रिवेंद्र सिंह के आने के बाद ये बेग चेंज आने वाला ही है, और उन्होंने जिस मुखरता के साथ बात रखनी शुरू कर दी है, मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट जरूर आने वाले समय में दिखाई देगा आपको। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे सामने कई बार दावा कर चुके थे कि हम खानपुर में ही उमेश कुमार को डेंट मारेंगे, इस चुनाव ने उमेश कुमार की बंद मुट्ठी जो खुल गई है और उनको पॉलिटिकली डैमेज हुआ है, ये डैमेज उनको 2027 में भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती। जिस पुरोला में आप राजकुमार को ले आए, आप वहाँ मालचंद को ले आए, आप वहाँ उससे पहले राजेश जुआटा को ले आए, वहाँ पे आप दूसरे तीसरे नंबर पे चले गए कि दिनेश देने के बूथ पर लगभग 2-4-10 वोट का अंतर है, किशोर उपाध्याय के बूथ पर 20-30 वोट का अंतर है, बूथ पर विधानसभा छोड़िए उस विधानसभा में वो 10,000 वोट लिया है, वो घनसाली में वोट लिया है। 2024 का आम चुनाव कई मायनों में याद किया जाएगा, कहां 400 पार का नारा और कहां अब सहयोगियों का सहारा, लेकिन उत्तराखंड में चीजें वही रही कमोबेश जो पहले थी। तीसरी बार लगातार भाजपा ने पांचों लोकसभा सीटें जीत ली है, हालांकि इस बार मार्जिन 2019 के मुकाबले काफी कम हुआ है। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस बात पर बारीकी से नज़र रखते रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन से पहले भी चर्चा में ये कहा था कि किस तरह का सूरत हाल है, क्या उत्तराखंड की राजनीति में होने जा रहा है। हमारे साथ गजेंद्र सिंह रावत जी हैं, पवन लामचंद जी हैं, दोनों से ही जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सीट बाय सीट थोड़ा देखें समझें कि वोटिंग ट्रेंड क्यों ऐसा है उत्तराखंड में खासकर। तो अगर मैं शुरुआत करूँ गजेंद्र जी, सबसे पहले एक ऐसी सीट अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में अजय डमटा जीते, उनके बारे में ग्राउंड पे नाराजगी भले ही दिखती हो लेकिन उन्हें फिर वोट मिला और वो तीसरी बार लोकसभा पहुंच गए, कैसे देखते हैं उनकी जीत को अगर मैं अल्मोड़ा की बात करूं? अल्मोड़ा की जीत में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो यशपाल आर्य का माना जाएगा, और वो इसलिए था कि जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कहा कि भैया आप चुनाव लड़िए, तो यशपाल आर्य ने हाथ खड़े कर दिए। यशपाल आर्य के बारे में हमने पहले दिन ही कहा था कि वो भी उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको 7-8 बार विधायक बना दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, आज वो लीडर पोजीशन है, और जिस दौर में अब की बार 400 पार का जो शोर मचाया गया, एक हवा खड़ा किया गया, तो उस दौर में यशपाल आर्य डर गए और उनको लगा कि वहाँ जाके पता नहीं क्या हो जाए, डर लड़ना ठीक नहीं है। तो वहाँ पर उस जीत के पीछे जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो यशपाल आर्य की मैं मानूंगा, और वो जो कांग्रेस के लोगों ने शुरुआत में गलतियां करी, हालांकि आज आप देख रहे जो परिणाम आए एकदम डिफर है, पूरे देश में जो माहौल है वो बदला है, 400 पार का नारा भी खत्म हुआ, 370 पार वाला भी खत्म हुआ, अब की बार 500,000 पार का भी खत्म हुआ, तमाम चीज़ें हमने अपने सामने खत्म होती देखी। तो मेरा मानना है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कहने के लिए है नहीं, क्योंकि प्रत्याशी का चयन ही इस प्रकार से था, तो वो मेरा मानना है कि वो सामने जो कैंडिडेट थे प्रदीप डमटा वो कम्पीट नहीं कर पाए, और वो जो कि लंबे समय से क्षेत्र में जाते नहीं थे, तो इसलिए वो अजय टमटा को तो जो है प्लेट में एक सजा के उन्होंने दे दी सीट। और ये बात तो अजय टमटा के लिए भी कही जाती है, मतलब मैं खुद इलेक्शन के टाइम पे उस सीट में कई जगह गया, वहाँ लोगों ने स्थानीय लोगों ने भी कहा कि अजय टमटा वाले बीच में कम आते हैं, वो कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उस पर दिखते जरूर है लेकिन जनरली वो लोगों के बीच में नहीं जाते, उसके बावजूद भी उनकी जीत का मार्जिन बहुत अच्छा है। अगर हम जिस तरह से मार्जिन घटे हैं, बीजेपी का वोट ही 5% उत्तराखंड में घट गया है, कहा तो बीजेपी 75% का नारा दे रही थी कि हम 75% वोट लाएंगे, और कहा वो पिछली बार से 5% वोट कम हो गया है उनका,
तो उसको कैसे? मेरा मानना है कि जो माहौल था, जो वहाँ पर जो है जिस प्रकार की बातें कही गई थी, मतलब अजय टमटा ने कभी नहीं कहा कि वो दो बार सांसद थे, वो मोदी सरकार वन में मंत्री थे, उन्होंने कोई ऐसा काम वहाँ पर किया, उन्होंने कहीं नहीं कुछ कहा। उन्होंने एक ही बात कही, आप मोदी जी को वोट दीजिए, और सिर्फ वही एकमात्र बात थी कि जिसके कारण जो एंड इनकम्बेंसी भी जो उनके खिलाफ थी, जो तमाम चीज़ें थी, लोगों को भी लगा कि चलो इस आदमी ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन जो मोदी जी का नाम ले रहा है, जो उसके बाद उन्होंने फिर माहौल बनाने की कोशिश की कि आदि कैलाश की यात्रा होगी, कुमाऊं के भी लोगों का भला होगा, तमाम तरह की बातें थी, वही सब चीज़ें जुड़ती चली गई। अदरवाइज बताने के लिए अजय टमटा के पास कुछ नहीं था, और ये आने वाले समय में लोग फिर महसूस करेंगे कि जब वो तीसरी बार भी चुनकर जाएंगे, ये वो चले गए हैं, तो उसके बाद भी मुझे लगता है कुछ वहाँ के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ट्रेंड हमने पूरे देश में देखा कि अगर सांसद ने काम नहीं किया तो इस बार लोगों ने उस चीज़ पर भी ध्यान दिया। हर जगह ऐसा नहीं हुआ कि मोदी के नाम पर वोट पड़ गया। यूपी बहुत बड़ा एक उसका उदाहरण है, बीजेपी को सेटबैक जहाँ अगर किसी स्टेट में लगाया तो वो बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। क्या आपका है रीडिंग की इस तरह से ऐसा क्यों है कि बीजेपी के लिए ये एक कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं ना उत्तराखंड बन गया है? देखिए अर्जुन भाई, जिस तरह आप उत्तराखंड को आप देखें, उत्तराखंड के हिमालय राज्य हिमाचल भी हमारे बगल में है, तो जो वेस्ट यूपी में, ईस्टर्न यूपी में या बुंदेलखंड में जिस तरह का माहौल था, जो हवा बह रही थी, वो हरिद्वार तक पहुँचने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ कांग्रेस के साथियों ने उसका दम तोड़ दिया, और उसके बाद वो पहाड़ चढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। आपने चूंकि अल्मोड़ा से शुरुआत की, तो मैं वहीं से अपनी बात रखता हूँ, फिर हम बाद में हरिद्वार बहेंगे। देखिए अल्मोड़ा सीट पे ये सच बात है कि लोगों में अजय टमटा को लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी थी, इवन बीजेपी के कार्डर्स में नाराजगी थी कि अजय टमटा एक्टिव नहीं रहते हैं और वो उनका कोई छाप वहाँ पे है नहीं। लेकिन मुझे 2019 का एक वाक्य याद आ रहा है, रामलाल कांग्रेस बीजेपी के संगठन महामंत्री होते थे, और जब वो वहाँ पे जाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं चुनावी प्रोसेस के दौरान कि भी हम फिर से अजय टमटा ही आएंगे, तो लोगों ने जब वहाँ कहा कि साहब अजय टमटा में बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो वहाँ कहा कि आपको मोदी के नाम पर कमल के फूल पर वोट देना है, आपको अजय टमटा कहाँ बीच में आ गए, हम तो मोदी जी को बना रहे हैं। तो हमने इस तरह से बीजेपी के वोटर्स की और कार्डर्स की प्रिपरेशन होते हुए देखा है, उनकी पूरी स्कूलिंग ऐसे कर दी कि साहब आपको किसी अजय टमटा को, रानी राजलक्ष्मी शाह को वोट नहीं देना है जी, आपको अजय भट्ट को वोट नहीं करना है, आपको अनिल बलूनी को वोट नहीं करना है, आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत को वोट नहीं करना, आपको बीजेपी को वोट करना, मोदी को मजबूत करना, खुद मोदी करेगा, आपका एक एक वोट मेरी जेब में आएगा, यानी मेरे को मजबूत करेगा। तो वहाँ पर अजय टमटा इरेलेवेंट हो गए, एक तो ये पक्ष है, तो बीजेपी के लोगों ने न चाहते हुए भी अजय टमटा को वोट देना था। दूसरा, उस सीट पे आप देखेंगे, अल्मोड़ा जिला हो, पिथौरागढ़ जिला हो, चंपावत हो, ये आप या बागेश्वर हो, आप देखेंगे कि वहाँ पे कांग्रेस की प्रेजेंस है। द्वाराहाट में कांग्रेस का विधायक है, अल्मोड़ा में कांग्रेस का विधायक है, धारचूला में कांग्रेस का विधायक है, लोहाघाट में कांग्रेस का विधायक है, पिथौरागढ़ में 5-5 विधायक होने के बावजूद जब हमें ये जानकारी मिलती है कि पांचों ही विधायकों की सीटों पर बुरे अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी हार गया, जबकि आप जानते हैं कि 2014 में जब मोदी की सुनामी भी आई थी, तब भी हमने देखा था कि धारचूला में, जागेश्वरी, कुछ ऐसी पॉकेट थी जहां पे कांग्रेस को लीड थी जी। लेकिन वो इस बार ऐसा नहीं हो पाया, और फिर चाहे चंपावत हो, चाहे लोहाघाट हो, बागेश्वर हो, कपकोट, इन पूरे टेरन के अंदर अल्मोड़ा में कहीं भी कांग्रेस प्रत्याशी को जगह रखने का मौका नहीं मिला। तभी तो है, देखिए बीजेपी का प्रत्याशी वहाँ 60% से ऊपर जाता है, कांग्रेस का प्रत्याशी 30% से नीचे आने को जाता है। तो मुझे लगता है कि प्रदीप टमटा को, जो गजेंद्र भाई ने जो बात की, सही बात है कि अगर वहाँ यशपाल आर्य जाते, इस टमटा वर्सेस टमटा की लड़ाई भी, ये लड़ाई 2009 से हो रही है आप जानते हैं, और वैसे भी कांग्रेस को इसलिए अल्मोड़ा के लिए संजीदा होना चाहिए कि हरीश रावत की चुनावी जीत के बाद वहाँ जिस तरह बचदा का माहौल बना, और उसके बाद से वहाँ पिछले 35 साल से अल्मोड़ा में कांग्रेस नहीं है। 2009 में 5-7 हज़ार वोटों से जरूर प्रदीप टमटा अजय टमटा से जीत गए थे, लेकिन वो सीट है ही नहीं कांग्रेस की उसको आप देखें तो। जब से हरीश रावत का वहाँ से माइग्रेशन हुआ, वहाँ कांग्रेस के फुटप्रिंट्स खत्म होते जा रहे हैं। आप 5-6 हज़ार वोटों 2009 से जीते, उसके बाद से आप लगातार आपकी हार का अंतर बढ़ता जा रहा है, लाखों में बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि यशपाल आर्य वहाँ जरूर चुनाव लड़ते तो माहौल बनता, लेकिन जो कांग्रेस के जानकार लोगों ने हमें बताया कि उसके पीछे भी करण मारा को दोष दिया गया जी। कि करण मारा ने जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस पूरे पार्लियामेंट्री सीट पर जो इन जिलों में जो संगठन को तैयार करना चाहिए वो तैयार नहीं किया गया, और एक जानकार ने यह भी कहा कि यशपाल आर्य वहाँ चुनाव लड़ भी लेते, लेकिन जब हरीश रावत से केसी वेणुगोपाल ने पूछा कि आप अपनी चॉइस के नाम बताइए, तो उन्होंने एक दूसरे टमटा का नाम लिया, उन्होंने प्रदीप टमटा का नाम लिया,
वो कहीं भी उसमें यशपाल आर्य का नाम नहीं था। तो हरीश रावत का अल्मोड़ा जिला है, हरीश रावत की टेरेन में आप बिना हरीश रावत की मर्जी घुस जाएंगे, यशपाल आर्य इसके दुष्परिणाम जानते थे। तो ये कांग्रेस के भीतर की राजनीति है कि जो प्रत्याशी उसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा, जो प्रत्याशी जिसको बनाया जाना चाहिए, जो वहाँ टक्कर दे सकता है, जिनके पास संसाधन टीम हो सके, वो कह रहा है कि नहीं करण महाराणा उतनी अच्छी टीम नहीं बनाई है, या हरीश रावत मेरे नाम को उतने मजबूती से प्रमोट नहीं कर रहे, जब तक हरीश रावत नहीं कहेंगे मैं अल्मोड़ा नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात अल्मोड़ा में रहे हैं उसके बाद यही लग रहा था। हम ये देखना चाह रहे थे हार का अंतर कितना बड़ा होता है, अल्मोड़ा को लेकर कोई भी इस तरह से चौंका नहीं, सरप्राइज नहीं, या जो डेटा बाद में इलेक्शन कमीशन किया आया कि भाई अजय टमटा जीत गया, सबको पता था जीत तय है वहाँ पे, कहीं भी वहाँ कांग्रेस मैदान में नहीं थी और वहाँ वोटिंग परसेंटेज लगातार गिर रहा है। ये टमटा वर्सेस टमटा लड़ाई का ही मतलब है, उसी सीट पर सबसे ज्यादा नोटा को वोट गया और सबसे कम वोटिंग भी हुई। यस, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात भी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां वहीं पे जाके टिक जाती हैं, जनता फिर अपने हिसाब से मजबूर होती है वोट डालने के लिए। आपने बात की अल्मोड़ा के जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उसी से लगी हुई सीट है नैनीताल। उसमें मेरी को एक टिप्पणी बड़ी याद रह गई, जब मैं उत्तराखंड में घूम रहा था इलेक्शन के दौरान, एक लड़के ने मुझसे कहा कि अजय भट्ट तराई के नेता है, और वो दिखता है क्योंकि जिस तरह से उनको मैंडेट मिला है, इस बार भी जितनी बड़ी जीत उनकी हुई है, उससे लगता है तराई में तो विकल्प ही नहीं कोई। तो आप क्या आप इस बात से सहमत हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जब तराई भी वही बात है, देखिए पूरे कुमाऊं की 29 सीटों में से रामनगर को माइनस कर तो 28 सीटें बनती हैं। एक सीट जसपुर है जो इसी नैनीताल उधम सिंह और पार्लियामेंट्री सीट में आती है, जहाँ से कुछ वोटों की लीड कांग्रेस को मिलती है, वरना बाकी जबकि यहाँ भी इसी उधम सिंह नगर नैनीताल सीट पर सुमित हृदेश हल्द्वानी से अच्छे अंतर से जीते हुए विधायक हैं, और बन फूलपुरा वहाँ हुआ था, वहाँ अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, दलित अच्छा खासा वोटर है, खटीमा से उपनेता प्रतिपक्ष है जो धामी को हरा करके मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम को हरा करके आए थे, भुवन कापड़ी वहाँ पे है, बाजपुर से यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष है, और वही नानकमत्ता में आपका विधायक, किच्छा में आपका विधायक है, जसपुर में आपका विधायक है, तो यानी कि वहाँ प्रेजेंस वहाँ भी था कांग्रेस का, और वहाँ सिख वोटर है, किसान वोटर है, वहाँ मुस्लिम आबादी, दलित वोटर है, किसी जमाने में बीएसपी के फुटप्रिंट्स भी वहाँ होते थे इसीलिए, लेकिन वहां भी यही है कि जो प्रत्याशी प्रकाश जोशी दिया गया, आप कल्पना करिए जो काला ढूंगी से दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ता, उसी सीट से वो 56,000 वोटों से हारते हैं, तो आपकी आपकी मतलब आपके प्रेजेंस कहाँ थी। उसके बाद रुद्रपुर से वो 65,000 वोटों से हार जाते हैं, और 500-700 वोटों से वो हारते हैं हल्द्वानी में, वरना उनकी हार के अंतर बहुत बड़े हैं, और किसी भी विधायक ने, जसपुर के आदेश चौहान को छोड़, किसी भी विधायक ने उस तरह पसीना नहीं बहाया, ये बताता है कि आखिरी समय में प्रकाश जोशी को जिस तरह से उतारा गया कांग्रेस ने, वो एक फिलर के तौर पे थे, वहाँ कोई मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये कि पिछले चुनाव में हरीश रावत जब हरिद्वार छोड़ के 2019 में नैनीताल गए थे, तो तब भी वो 3.5 लाख के आसपास वोटों से हार गए थे, तो ये तो तय दिख रहा था उस सीट के ऊपर हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण भी होता है, और वो बीजेपी की बहुत आसान और सुरक्षित सीट बनती जा रही, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस के नेचर का वोटर भी है, लेकिन फोकस नहीं होने से, कैंडिडेट नहीं होने से वहाँ कांग्रेस को बहुत बुरी निराशा हुई है। मैंने यही सवाल मेरा आपसे है, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अगर हम विधायकों के नंबर्स देखें तो वहाँ पर अच्छे खासे विधायक उनके पास है, उसके बावजूद बीजेपी के लिए सेफ सीट बन गई है, कांग्रेस ने कैंडिडेट देने में कहाँ गलती की? यशपाल आर्य कह रहे थे कि मुझको नैनीताल सीट से चुनाव लड़ा भाई आप। अब जो व्यक्ति कह रहे मैं अल्मोड़ा में नहीं लड़ूंगा नैनीताल में लड़ूंगा, वो आज लीडर पोजिशन है, इतने बड़े पोर्टफोलियो पर है जो मैंने बताया उनके बारे में, और आज जब रिजल्ट आ रहा है तो बता रहे 3.5 लाख वोट से कांग्रेस वहाँ हार गई है। तो यशपाल आर्य जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि जब आप यहाँ लड़ रहे थे तो आपकी तैयारी का आलम क्या था, और अगर आपकी तैयारी का आलम क्या अपने लिए अलग था और वो प्रकाश जोशी के लिए अलग था। इस चुनाव के बीच में एक बात और निकल कर आ रही थी कि जो सुमित हृदेश है और ये जो तिलक राज बेहड़ है, इन दोनों की भी घेराबंदी की गई, भी आप भी जो है राजू भंडारी बन जाइए, काफ़ी हद तक बता रही वो बात आगे बढ़ी नहीं, लेकिन फिर बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि जो वन भूलपुरा का जो मामला हुआ उसके बाद अगर हम उपचुनाव कराएंगे तो हो सकता है कि वो जो दो सीटें आएंगी जहां उपचुनाव की बाद में बात आ सकती है, तो उसको फिर जो प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। ये जो स्थिति है आज की, आप 3.5 लाख वोट से हार रहे हैं और आप कोई बताने के लिए कोई तैयार नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो सब चीज़ें हैं कि कांग्रेस वो परंपरा का जो तरीका पुराना चुनाव लड़ने का उससे बाहर नहीं आ पा रही है। अगर उससे बाहर आती है तो जिस समय हरीश रावत वहाँ से हारना शुरू है अल्मोड़ा में, तो हरीश रावत के जो 3-4 चुनाव थे, 2004 का चुनाव उनकी पत्नी भी लड़ी लेकिन वो सिर्फ 12-14 हज़ार वोट से आ रहे, हरीश रावत कभी भी बड़े मार्जिन से वहाँ चुनाव नहीं आ रहे, लेकिन उनके बाहर आने से जो पवन जी ने भी कहा कि उनके बाहर निकलने के बाद कांग्रेस में डैमेज होती है, एक प्रकार से आज
खत्म हो गई है, एक ही टेन्योर था 2009 वाला जो जीते। तो मेरा मानना है कि जब तक आपको जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो फील्ड में दौड़ने वाला व्यक्ति है, वो अगर उसी अंदाज में काम नहीं करेगा तो रिजल्ट आएंगे ही नहीं। और उसका ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव के बीच में अजय भट्ट ने कहा कि जो मेरे से गलती हो गई है उसकी सजा मोदी जी को मत देना। मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारत सरकार में मंत्री थे, रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री, अग्निवीर योजना उनके दौरान आई, पर्यटन के क्षेत्र में एक रुपये का काम नहीं हुआ। वो सारा ही नाराजगी किसानों की, दलितों की, मुस्लिम, जो कुछ वहाँ हो रहा था, उसके बावजूद उन्होंने एक ही बात कह दी कि भाई मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना। और सिर्फ वही एकमात्र फैक्टर था जिस ग्राउंड पे अजय भट्ट जो चुनाव जीत गए, यही है। कई लोगों ने ये कहा कि अग्निवीर एक साइलेंट मुद्दा था, उसका असर यूपी में दिखा, उसका असर राजस्थान में दिखा और कुछ हद तक हरियाणा में भी दिखा। इन जगहों से काफ़ी लोग जो है सेना में जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग सेना में जाते हैं, वहाँ ये मुद्दा क्यों भी बना? देखिए, चूँकि जब चुनावी नतीजे इस तरह के आगे, गढ़वाल सीट है वो फौजी सीट आप कह सकते हैं। यूँ तो अगर आप जब टिहरी में देखेंगे तो अगर बॉबी पवार को इतने ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, वो 168,000 वोट अगर पा लेते हैं, तो उसका मतलब है कि उसमें यूथ का बड़ा योगदान, और यूथ का योगदान है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के साथ अग्निवीर का भी इम्पैक्ट है। और गणेश गोदियाल को भी पिछले जो थे मनीष खंडूड़ी हो, जनरल खंडूड़ी के बेटे होने के बावजूद, या उससे पहले हरक सिंह रावत हो, इन सब जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले गणेश गोदियाल को वोट ज़्यादा मिलते हैं। और जो बीजेपी का कैंडिडेट अनिल बलूनी, चुनाव जरूर जीते लेकिन जो पिछली मार्जिन से जीत के, वो थोड़े कम अंतर कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीत बहुत बड़ी, 1.5 लाख से ऊपर की जीत है। उसका रीजन कहीं ये तो नहीं था कि जब मनीष खंडूड़ी लड़े तो ऑब्वियस है कि कम से कम ग्राउंड पर गणेश गोदियाल ज़्यादा मजबूत है, तो उन्होंने तो उस टैली को आगे ले जाना ही था। उनके चेहरे की वजह से, उनकी ग्राउंड जो प्रेजेंस थी उसकी वजह से उनको फायदा मिला। निश्चित तौर पर उस वक्त चूँकि तीरथ सिंह रावत की छवि अलग थी, अनिल बलूनी की छवि अलग रही है। इस चुनाव में हमने देखा कि तीरथ सिंह रावत के लिए उस तरह कोई कैंपेन करने के लिए नहीं आया था कि आप इनको जिता दीजिए, दिल्ली में हम बैठे हैं, फिर गढ़वाल की चिंता हम करेंगे, ये सांसद से ज़्यादा होने वाले हैं, यानी ये मंत्री मोदी का, ऐसा कुछ तीरथ के लिए कैंपेन नहीं होने वाला था। वो एक सॉफ्ट स्पोकन बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नीचे से उठ करके आए हुए, सारे सामसंगिक संगठनों में काम करके ऊपर पहुँचे हुए। अनिल बलूनी का ऐसा नहीं था, वो एक पैराशूट नेता के तौर पर, इस प्रत्याशी के तौर पर इस सीट पर देखे गए। ये अलग बात है कि वो अपनी प्रेजेंस को अलग अलग तरीकों से दर्शाते रहे हैं, चाहे फिर जिस तरह से वहाँ पे इगास बगवाल का मसला हो, या कई बार पहाड़ के मसलों को लेकर, डोपलर रडार के मसले को लेकर, उस ट्रेनों के मसले को लेकर के अपनी प्रेजेंस बलूनी ने 2024 के टिकट से पहले दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब वहाँ गणेश गोदियाल उतरते हैं तो वो ये एक तरह का ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि अनिल बलूनी दिल्ली के थोपे हुए प्रत्याशी हैं, वो पैराशूट प्रत्याशी हैं जिसकी काट लगातार पूरे चुनाव में प्रचार में अनिल बलूनी करते रहते हैं। ये अलग बात है कि उसके इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर, रक्षा मंत्री राजनाथ से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जोर लगाते हैं, उसका फायदा बलूनी को मिलता है। लेकिन मनीष खंडूड़ी इसलिए अपनी प्रेजेंस अच्छे से मजबूत नहीं कर दर्ज करा पाते, वो एक हवाई प्रत्याशी थे। गणेश गोदियाल अब चुनाव लड़े तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जो आपने अग्निवीर में पूछा, निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत अग्निवीर का, अंकिता भंडारी पर का भी असर रहा, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया, जबकि ये अपने आप में एक राजनीतिक त्रासदी कहिए या पॉलिटिकल आयरनी कहिए कि सीट पर महिला वोटर ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा वोट डाल रही हैं, और अंकिता भंडारी का मसला भी था और उसको लगातार एग्रेसिवली गणेश गोदियाल ने उठाया भी, अग्निवीर के मसले को भी उठाया, लेकिन उसका पॉलिटिकली उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया क्योंकि सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर ज़्यादा है। क्योंकि जैसे हमने कहा फौजी सीट है, तो फौजी लोग बीजेपी के साथ थे, भले उन अग्निवीर को लेकर युवा नाराज हो, तो युवाओं की नाराजगी का बीजेपी को नुकसान हुआ, इसीलिए उसका वोट परसेंटेज कम आया है इस सीट के ऊपर आप देखें तो। लेकिन ओवरऑल चूंकि वो बहुत मजबूत थी, आप देखें 13 विधायक उसके तो 14 में से, और जब गढ़वाल की आप गणना करेंगे तो वहाँ पे 14 विधानसभा सीट जरूर है, लेकिन आप उसको 15 विधानसभा सीट कहिए, क्योंकि एक विधानसभा सीट वहाँ बैलेट की होती है, जो बैलेट वोट होता है वो भी अपने आप में एक जो असेंबली सेगमेंट जितना होता है, 20-22 हज़ार का वोट का चंक है जिसमें 70-80% बीजेपी को मिलता है। तो यानी 15 सेगमेंट्स थे जिसमें से सबके सब सेगमेंट में राजेंद्र भंडारी के शिफ्ट करने के बाद गणेश गोदियाल के पास कुछ भी नहीं था। और वहाँ हरीश रावत नहीं पहुँचते हैं, प्रियंका गांधी पहुँचती है तो रामनगर में पहुँचती हैं, श्रीनगर में कोई नहीं पहुँचता। तो जिस तरह गणेश गोदियाल ने कैंपेन यानी सिर्फ अपने कंधे पर अपने मुद्दों पर लड़ा, जिनकी बीजेपी में अनिल बलूनी के लिए ढाल बनने के लिए पूरी बीजेपी का संगठन था, मुद्दे थे, प्रधानमंत्री गृहमंत्री सब थे, यही वजह है कि वहाँ पे अग्निवीर नहीं चल पाए और अनिल बलूनी चल गए। रामनगर और कोटद्वार में कांग्रेस को उम्मीद थी कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ भी प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा जिससे उनको कुछ नीड मिल पाती। इस पूरी पौड़ी लोकसभा की जो 14 की 14 विधानसभाएं हैं, इनमें से एक भी विधानसभा में कांग्रेस ने लीड नहीं करा।
ये अपने आप में चौंकाने वाली बात भी थी कि वो श्रीनगर से भी लीड नहीं कर पाए। और जिस अंदाज में चुनाव से ठीक पहले मनीष खंडूड़ी भाग गए, बीच चुनाव में हरीश रावत का बयान आ गया, उस बयान ने भी पूरे प्रदेश में जो एक असर डाला कि हरीश रावत के जो समर्थक जो वायर में उनका इंटरव्यू चला, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मुझे बुलाया नहीं जा रहा है अन्य सीटों पर। तो जो हरीश रावत के जो समर्थक थे प्रदेश भर में, उनको लगा कि उनके नेता को नेगलेक्ट किया जा रहा है। और हमने तो देखा कि 2009 के चुनाव में जब हरीश रावत हरिद्वार में खुद चुनाव लड़ रहे थे, तो हेलीकॉप्टर लेके 2 दिन लगातार जो अल्मोड़ा वोट मांगने गए, वो तमाम जगह जाते रहे अपना चुनाव छोड़कर। तो वो जो तरीका था काम करने का। और 2022 के चुनाव में तो हमने हरीश रावत को 2 कदम और आगे देखा, उस समय कोविड का भी काल चल रहा था, तो हरीश रावत ने 70 की 70 विधानसभाओं में वर्चुअल जो है मीटिंग्स करी, वो रैली करी, वो भी उन्होंने किया। लेकिन इस चुनाव में जो जो बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। और बलूनी को जो बहुत 11th hour में उतारा गया, वो इसलिए भी कुछ नहीं कर पाए। और किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए आपके पास अगर संगठन नहीं है, तो आप अपनी बात को, अपने विचार को, अपने जो जो भी आप अपना एजेंडा जो पहुंचाना चाहते हो, पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पर जो जो पवन जी ने भी कहा कि अनिल बलूनी के साथ पूरी टीम लगी थी, प्रधानमंत्री से लेके देश के बड़े बड़े नेता थे, और इधर से जो है गणेश गोदियाल अकेले थे। मतलब गणेश गोदियाल को तो इस बात की भी प्रतीक्षा रही होगी कि कभी करण महाराज वोट मांगने आ जाए, प्रीतम सिंह ही आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसीलिए उनको जो है वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। वो भी तब जबकि पूरा इलेक्शन कंपेन के दौरान उन्होंने जिस प्रकार का एक माहौल बनाए रखा, और उस माहौल का ही असर था कि वो इस लेवल पर पहुँच पाए। लेकिन फाइनली ये होता है कि अगर आपके पास संगठन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संगठन का सपोर्ट निश्चित रूप से। और बात इस चुनाव की 2 सबसे चर्चित सीटों की, एक चर्चित इसलिए रही कि 26 साल के एक लड़के ने जो करके दिखा दिया, वो आने वाले कई दिनों तक उसकी बात होती रहेगी। और दूसरी जगह, दूसरी सीट इसलिए कि वहाँ के एक विधायक जिनकी इमेज जिस तरह से मीडिया में दिखाई जाती थी, चाहे उसे आप कैसे भी कहिए, किसी भी तरीके से दिखाई जाती थी, वो अपनी इमेज के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए और जमानत जब्त करा बैठे। इन दोनों सीटों में से सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार सीट की। कुछ भी कहा जाए, लेकिन वीरेंद्र रावत को अच्छा खासा वोट पड़ा है। क्या बसपा का मजबूती से ना लड़ना, एंड टाइम पे अपना प्रत्याशी बदल देना, एक बाहर का प्रत्याशी ले आना, और जिस तरह से गिरावट आई उसके वोट बैंक में, वो एक कारण रहा। जो मार्जिन था बीजेपी का भी कम हुआ है, लेकिन वो सीट टफ थी। हरिद्वार लोकसभा के चुनाव की जब तैयारी शुरू हुई थी, तो उस दिन हमने उसी समय कहा था कि जो आप उमेश कुमार की बात कर रहे हैं, खानपुर के विधायक हैं, बड़ी वैसी इमेज बना रही है हेलीकॉप्टर वाली, और पता नहीं क्या क्या करके फिल्म स्टार आ रहे हैं, क्रिकेट स्टार आ रहे हैं, और चुनाव से पहले ही उन्होंने जिस प्रकार कंपेन किया, तो बहुत पैसा बहाया गया था, तो लोगों को लगता कि वास्तव में ये चीज़ें दरअसल भरूंगी। उस चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने जो खेल किया, वो उसका भुगतान भी आज कांग्रेस के लोग भुगत रहे हैं। जिस कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पास उनकी सीडी थी, जिसके लिए प्रेस क्लब में उन्होंने बैठक करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति के ऊपर दिल्ली में जो है रेप का मुकदमा चल रहा है। अब आप बताइए कि अगर वो दो कागज, वो सीडी और वही जो जो मुकदमा चल रहा है रेप का मुकदमा दिल्ली में, वो अगर इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाते, तो उसका तो नामांकन ही रद्द हो जाता। लेकिन उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, या फिर कुछ लोगों ने ये माना कि उस व्यक्ति की बीजेपी के साथ सांठगांठ हो गई है, कि वो जितना जो है कांग्रेस को डैमेज करेगा, तो उतना उनको फायदा होगा। ये बात इसलिए भी दिखाई दी कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसे लोग जो सुबह से शाम तक उसे खिलाफ बोलते थे, वो उन्होंने वो मूव ऑन कर दिया उस बारे में। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा ये था कि जो हरीश रावत के बारे में था कि भाई पुत्र मोह हो गया, खुद अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं लड़ूंगा, जब आप नहीं लड़ेंगे तो आपने किसी कार्यकर्ता को नहीं जुटा पाए, तो एक वैसा माहौल भी था कि भाई आपने पहले विधानसभा में अपनी बेटी अपने टिकट मांग लिया, अब आपको अपना बेटा नजर आ रहा है, आपने वहां पर किसी विधायक को क्यों टिकट नहीं दिया। वही गलती जो अभी हम उसकी चर्चा कर रहे थे कि नैनीताल सीट पर, कि जब आपके पास पुष्कर सिंह धामी को हराने वाला चेहरा तो वहां पर थे, कि भाई वहां कापड़ी इतना मजबूत व्यक्ति है कि वो मुख्यमंत्री को हराते, उन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री को, आपने उनको ट्राई करने की बजाय आप प्रकाश जोशी को ले आए। तो इस प्रकार के प्रयोग करने का समय नहीं था, ये तो वो था कि आपको फ्रंट लाइन पे बैटिंग करनी थी। लेकिन वो जो गलती उन्होंने की, और उसी का ये जो खामियाजा यहाँ भी है। इसलिए मेरा मानना है कि जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी हार हुई, और हार के बहुत सारे कारण भी थे कि चुनाव के बीच में हरीश रावत के जो 20-30 साल 40 साल पुराने जो लोग साथ में जुड़े हुए थे, जो हरीश रावत के राजदार जो लोग थे, वो बीजेपी में चले गए, उनके जो बहुत बड़े दिनेश अग्रवाल जैसे लोग थे वो भी छोड़कर चले गए, और इन सब भाग दौड़ के बीच में करण महाराज जैसे व्यक्ति को हमने कभी नहीं देखा कि मैनेजमेंट करते हुए किसी को रोको।
उसी का खामियाजा हरिद्वार में उनको भुगतना पड़ा। और इस हरिद्वार वाले जो चुनाव परिणाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीतने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में जो चेंज आने वाला है वो आपको इस अंदाज में दिखाई देगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के अभी एक हफ्ते के भीतर दो बयान आए। उन्होंने चार धाम यात्रा की विफलता को लेकर मुखर होकर कहा है, अभी तक ये सब बोला नहीं जाता इस प्रदेश के भीतर में। उन्होंने जो बाबा सानी जो सुसाइड केस हुआ उसमें उन्होंने फ्रंट फुट आकर कहा कि उत्तराखंड की सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। ये बात धामी के लिए बहुत चुनौती है। ये चुनौती इसलिए बढ़ने वाली कि अभी तक जितने लोग थे वो सरकार के बारे में सरकारी मशीनरी के बारे में बोलते नहीं थे, लेकिन ये त्रिवेंद्र सिंह के आने के बाद ये बेग चेंज आने वाला है। और उन्होंने जिस मुखरता के साथ बात रखनी शुरू कर दी मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट जरूर आने वाले समय में दिखाई देगा आपको। यही बात यही सवाल मेरा आपसे भी जिस तरह से त्रिवेंद्र जी मुखर हुए उससे क्या जो मुख्यमंत्री धामी हैं उनके ऊपर ये दबाव पड़ा और हमने देखा कि उसके बाद कुछ फैसले ताबड़तोड़ भी हुए, खासकर मैं चारधाम यात्रा की बात कर रहा हूँ। एक तो ये और दूसरा जो बिल्डर हत्याकांड या सुसाइड कह लीजिए, कथित सुसाइड या कथित हत्याकांड दोनों की बात दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे देखते हैं? और जो इलेक्शन के बाद जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था भाई साहब ने कि बहुत बड़ा चेंज आएगा अगर वो सीट से जीत जाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, आप क्या उस चेंज को देख रहे हैं? देखिए चूंकि मैं हरिद्वार सीट पे भी कमेंट करूंगा लेकिन उससे पहले जो आपने सवाल पूछा, देखो जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैक टू बैक दो बयान दिए, चारधाम यात्रा में देवस्थानम बोर्ड की याद दिलाई उन्होंने कि आज अगर वैसी व्यवस्था होती, उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री धामी अगर यात्रा प्राधिकरण भी बनाते वन इन द सेम थिंग, उन्होंने नाम से क्या रखा है जी। एक मैनेजमेंट का तंत्र एक बॉडी बननी चाहिए। फिर उन्होंने बाबा सानी के जो सुसाइड केस में उन्होंने बोला कि इसमें सिटिंग जस्टिस की हाईकोर्ट के जज से जाँच होनी चाहिए। मैंने उस चीज़ को एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर इस तरह से रीड किया कि जो ये बयान थे उनको मैं नतीजों से भी कनेक्ट करता हूँ। देखिए हरिद्वार और गढ़वाल ये दो सीटें बीजेपी जीती जरूर है लेकिन प्रीवियस के जो जीत के रिकॉर्ड्स थे मार्जिन उनसे कम आया, जबकि फोकस इन पे ज़्यादा रहा। योगी भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट मांगने के लिए आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऋषिकेश में वोट मांगने के लिए त्रिवेंद्र जी के लिए भी आए थे। बावजूद उसके हरीश रावत ने कमजोर कैंडिडेट दिया, खुद चुनाव लड़ते तो बात अलग होती। उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में खासतौर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ये जो सपा का पीडीए वाला फॉर्मेट काम कर रहा था, तो यानी ये हरिद्वार में भी सपा वाला यूपी वाला पीडीए बन सकता था। उसके बावजूद भी वीरेंद्र रावत के मुकाबले त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी है। उसका रीजन जो बयान है मैंने रीड किया कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की टीम को या उनके रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा था नतीजों से पहले कि लगता है कि जो बीजेपी से सपोर्ट आना चाहिए था अंदर से, वो विधायक हों या फिर जो दूसरे पदाधिकारी, वो सपोर्ट नहीं आया। और जब चर्चा चलती थी बीजेपी कॉरिडोर्स में कौन कौन से सीट पे सबोटाज हुआ है, तो पहले नंबर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट का जिक्र बीजेपी कॉरिडोर्स में आता था कि लगता है ऐसी आशंका है कि सीट पर सबसे ज्यादा सबोटाज हुआ है, क्योंकि वहां पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पूर्व चीफ मिनिस्टर का टिकट कटा था जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, निशन की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह से वहां जो दावेदार थे या मुख्यमंत्री भी जिनको टिकट दिलाना चाहते, यानी जो हरिद्वार की सीट बहुत हॉट सीट थी बीजेपी के भीतर, लेकिन बाजी त्रिवेंद्र सिंह रावत मार जाते, तो जो बैक टू बैक दो बयान आए तो मुझे लगता है कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वो जो आशंकाएं थी उनकी प्रतिक्रिया में ये बयान दिए थे। और निश्चित तौर पर जो रावत जी ने कहा ये तो सही है, अनिल बलूनी का चुनाव जीतना त्रिवेंद्र सिंह रावत का चुनाव जीता, ये तो मैंने उस दिन जब इनको टिकट हो गए थे उसी दिन मैंने कहा था उत्तराखंड में पावर के सेंटर्स की बैलेंसिंग दिल्ली ने कर दी है। पावर का सेंटर अकेला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नहीं रहेगा, एक पावर सेंटर हरिद्वार में भी बन गया है और एक पावर सेंटर गढ़वाल में भी बन गया है, वो जीत गए अच्छे नंबर से। तो निश्चित तौर पर इन्हीं दोनों में से मुझे लगता है कोई ना कोई केंद्र में मंत्री भी बन रहा है। हालांकि बीजेपी की कमजोर स्थिति दिल्ली में होने के चलते अब देखना पड़ेगा कि अलायंसेज को कितनी पोस्ट जाती है, कैबिनेट बर्थ कितनी जाती है, और उत्तराखंड के हिस्से कुछ आता भी नहीं आता है, लेकिन ये दोनों ही प्रोबेबल है, एक फॉर्मर सीएम है और दूसरे दिल्ली के लाडले हैं, तो मुझे लगता है इन्हीं में से कुछ होना है। अजय भट्ट को लेकर मुझे कम चांस लग रहे हैं, वो अलग बात है कि मोदी जी तो अजय टमटा को भी मंत्री बना चुके हैं तो क्या पता रानी को भी बनाते, लेकिन मोटे तौर पर इन पर लगता है। तो एक तो ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत कैंप में जो एक आशंका चल रही थी, जो डर चल रहा था कि बड़ा सबोटाज तो नहीं हुआ है, निशन 2.5 लाख प्लस वोटों से जीत पाए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत 1.5 लाख प्लस वोटों से हुई है, जबकि उस सीट पर कमजोर कैंडिडेट थे इस बार और बीएसपी ने बिल्कुल ही कमजोर कैंडिडेट दिया था। और ये भी तब हुआ है, देखिए जब उमेश कुमार की आपने बात की थी, उमेश कुमार चुनाव लड़ते हैं करीब मेरे ख्याल से 91,000 वोट ले जाते हैं, वो 7% वोट अगर टूटा है वहां उमेश कुमार को मिला है तो ये ज्यादातर वोट बीएसपी और कांग्रेस का है। हरिद्वार शहर की सीट में उमेश कुमार को कुछ हजार वोट मिले, ये बताता है कि जो बीजेपी का टेरेन था
जो बीजेपी का गढ़ था उसमें हो चाहे धर्मपुर हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे डोईवाल हो, चाहे हरिद्वार शहर हो या रुड़की हो या हरिद्वेल रानीपुर हो या हरिद्वार ग्रामीण हो, यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं था उमेश कुमार के लिए। उमेश कुमार ने वही डेंट मारा जो कांग्रेस का या बीएसपी का वोट हो सकता था। तो उमेश कुमार के होने के बावजूद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत का अंतर 164,000-162,000 के आसपास होना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन बन रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन चूंकि वीरेंद्र रावत हरीश रावत इतना कमजोर कैंडिडेट थे, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ शायद हरीश रावत जी की बात अच्छी नहीं लगेगी, कि हरीश रावत जी ने बेटे को आगे करके सीट तश्तरी में चला करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जो सियासत में उनके छोटे भाई कहे जाते हैं उनको गिफ्ट कर दी थी। तो मुझे लगता है, लेकिन वो सही है कि अब पावर सेंटर तो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे निश्चित तौर पर, वो वोकल हैं, हम मीडिया वालों के लिए भी आसानी है त्रिवेंद्र सिंह रावत पे जाकर कुछ भी बोलना, वो बोल भी देते हैं, तो वो खाद पानी उतना डालते रहेंगे जो अक्सर मुख्यमंत्री धामे जी को बेचैन करता रहेगा। जी आपने बात की डेंट की, तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हरिद्वार से लड़े उनको अपनी विधानसभा में डेंट, निश्चित तौर पे ये पहले से दिख रहा था। इस टीम त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे सामने कई बार दावा कर चुकी थी, हम खानपुर में ही उमेश कुमार को डेंट मारेंगे, और वहां उनकी कमजोर स्थिति भी है, उमेश कुमार पे चैलेंज ही होगा। कई बार क्या होता है सियासत में, जब आप बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए लंबी छलांग लगाते तो आपको डैमेज होता है। कहा तो आपने जैसे गजेंद्र भाई ने भी कहा कि 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़के हेलीकॉप्टर वाली छवि बना करके आप फिल्म स्टार उतार दे रहे हो, क्रिकेट के स्टार उतार दे रहे हो, और ग्राम प्रधानों को हेलीकॉप्टर में घुमा दे रहे हो, और वहीं से बैठ कर चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी को लेकर आप फोन करते रहे, एक अच्छा इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया। उसी लहर पे आप सवार होकर 2024 में एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, और आप जानते थे कि इससे आपका कैनवस बड़ा होगा, लेकिन इस चुनाव ने उमेश कुमार की बंद मुट्ठी जो खुल गई है और उनको पॉलिटिकली डैमेज हुआ है, ये डैमेज उनको 2027-22 की कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसकी प्रेडिक्शन आपने भी की थी जब हम पिछली बार साथ में बैठे थे, और मैंने उसी दिन कहा था कि जिस दिन हम पिछली बार चर्चा कर, मैंने कहा था कि ये असल बात उस दिन ये दिखाई देगी कि खानपुर के वहाँ के उनके वोट बचा कि नहीं बचाओ। तो जिन 38,000 लोगों ने उस समय वोट दिया था वो आज 16,000 पे आगे रुक गए हैं, तो ये दिखाता है कि आप एक बार चुनाव जीत सकते हैं, आप लोगों को बरगला सकते हैं, या आपने वो जो कुंवर पल्लव सिंह चैंपियन की जो खराब छवि थी उसे कैश करते हुए एक बार जीत जाए। लेकिन आखिरकार उत्तराखंड के जो लोग हैं उन लोगों ने तो वो सीडी भी देखी है ना, जिसको आज आप डीप फेक वीडियो बता रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। उत्तराखंड के लोगों ने ये भी देखा कि एक व्यक्ति जो है खुलेआम जो मर्जी आके जो कुछ कह दे रहे हैं, उत्तराखंड के डीजीपी के लिए कह रहा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, और एक ऐसा माहौल अभी भी है लोगों को लगता है कि पता नहीं किस किस के कौन कौन से स्टिंग अभी अंदर है जो कल बाहर आ सकते हैं। तो अगर इस प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये इस स्टेट के लिए ठीक होगा। हो सकता है बीजेपी कांग्रेस कुछ इससे डैमेज हो जाए, लेकिन फाइनल जो नुकसान है वैसे उत्तराखंड का है। तो इसीलिए ये जो चुनाव परिणाम आया जो खानपुर के लोगों ने भी देखा होगा कि जो व्यक्ति 2.5 साल से यहाँ जो विधायक रहे हैं उन्होंने अगर कुछ किया होता उनके बीच में जब उनको और बड़े चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनको भी लग गया कि ये जो सब बनाया गया था, एक जो ऑरा बनाया गया था वो टूट गया। और इसका जो है निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश भी है कि इस प्रदेश के भीतर इस प्रकार की पॉलिटिक्स चल नहीं सकती, और अगर आप ऐसा करोगे तो ये ज्यादा दिन चल भी नहीं सकता है। अब बात उस फिनोमेना की जो सबसे, मैं कहूंगा कि इस चुनाव का सबसे अच्छा पक्ष है बॉबी पवार। एक लड़का जो आता है, मुद्दों पे बात करता है, खुल के बात करता है, निर्दलीय चुनाव लड़ता है, बिना संसाधन के चुनाव लड़ता है, और 162,000 से ज्यादा वोट ले जाता है, क्या कोई नहीं है। बॉबी पवार को जो 168,000 वोट पड़ा है, एक बार मैं और पवन जी इसी इलेक्शन के बाद हमने चर्चा की थी, और मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा पुरोला के वोट गिन लेना आप, यमुनोत्री के गिन लेना, और ये धनोल्टी विधानसभा गिन लेना, और चक्राता के, मुझे उस समय भी यकीन नहीं था कि वो गंगोत्री में तो अच्छा कर लेंगे, टिहरी में 10,000 वोट पड़ जाएगा, मुझे यकीन नहीं था। लेकिन और उसमें भी उनको 6,000-7,000 वोट पड़ गया, और उसके क्या नाम इसका घनसाली वगैरह भी। वो लड़के का जो वोट पड़ने का है वो एक आशा और उम्मीद का वोट था, और मैं पहले दिन से मानता था इस बात को कि जो निराशा का वातावरण चारों तरफ है, एक तरफ आपके सामने वो लोग थे जिन्होंने 10 साल पहले कहा था 2014 में कि हमारी सरकार हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देगी, वही तो बिंदु था। तो जब आपने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए तो आप लोगों को लगा अगले साल देंगे, अगले टेंडर में देंगे, लेकिन जब वो सब नहीं हुआ तो वो लड़का जो पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहा था देहरादून के भीतर, तो धामी सरकार ने उसको जेल डाल दिया, जो उससे पहली सरकार थी उन्होंने मुकदमे लगा दिए, वहीं से उसका क्रिएशन हुआ। और उसका क्रिएशन का जो आने वाला जो दौर था वो आप इस अंदाज में देखिए कि जब आपकी बार 400 पार का नारा दिया गया तो प्रीतम सिंह भी भाग गए, वो व्यक्ति जो 6-7-8 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, लीडर अभूषण हो गए, सब कुछ हो गए, तो वो भी डर गए कि भाई मोदी जी का बहुत बड़ा हुआ है, 400 पार की बात है, लेकिन वो लड़का डरा नहीं।
और उस न डरने का जो आज रिजल्ट आपके सामने है कि प्रीतम सिंह जिस सीट से विधायक है ये पहली बार हो रहा है। कितनी भी मोदी लहरें चली हो, किसी की लहरें चली हो, हमेशा ये रहा कि प्रीतम सिंह ने अपनी सीट को हारने नहीं दिया। लेकिन आज वो बॉबी बारवा 27,000 वोट ला गए, प्रीतम सिंह की पार्टी वहाँ 11,000 पे अटक गई, तीसरे नंबर पर चले गए और वो बीजेपी 14,000 पे आ गई जी। आप उसके बगल में पुरोला में चले जाओ, जिस पुरोला में आप राजकुमार को ले आए, आप वहाँ मालचंद को ले आए, आप वहाँ उससे पहले राजेश जुआटा को ले आए, वहाँ पे आप दूसरे तीसरे नंबर पे चले गए। आप वहाँ बगल में आपने देखा यमुनोत्री में निर्दलीय विधायक कह रहा है कि हमने महारानी को समर्थन दे दिया है जी। वहाँ पे आप भी दूसरे तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, मतलब वहाँ भी बॉबी मोहन ने लीड किया। और गंभीर बात, इस इलेक्शन के बीच में ही जब विजय पाल सजवाल की ज्वाइनिंग करवाई जा रही थी, बहुत शोर शराबा मचा है कि गंगोत्री सीट तो ऐतिहासिक सीट है, अब तो वहाँ कोई कुछ नहीं होगा। उस गंगोत्री सीट में जो सिटिंग एमएलए सुरेश चौहान है, विजयपाल सजवाण पूरी ताकत, पूरी सत्ता, शासन, नगर पालिका अध्यक्ष से लेके ब्लॉक प्रमुख सब उनके, और वहां पर भी बॉबी पवार से सिर्फ 12-13 वोट से आगे है बीजेपी। वहां भी इतने बड़ा मार्जिन से वोट ले आए। धनोल्टी विधानसभा में आप देखिए ज्योत सिंह बिष्ट वहां चले गए, महावीर रांधड़ वहां चले गए, प्रीतम पवार उनके विधायक पहले से वहां पर है, जितने लोग सारी ताकत वहां है, वहां पर जो है बॉबी पवार सिर्फ 500-600 वोट से पीछे है। इसी प्रकार का आपने टीरी में देख लिया, टीरी में देखा नई बात निकल कर आई है कि दिनेश देने के बूथ पर लगभग 2-4-10 वोट का अंतर है, किशोर उपाध्याय के बूथ पर 20-30 वोट का अंतर है, बूथ पर, विधानसभा को छोड़िए, उस विधानसभा में वो 10,000 वोट लिया है, वो घनसाली में वोट लिया है, वो प्रतापनगर में वोट लिया है। इसलिए घनसाली की आपने बात की, मैं खुद घनसाली गया था और मैं टेहरी भी गया था, तो वहां पर जब मैंने लोगों से पूछा कि क्या आपने बॉबी पवार को देखा है, तो कई लोगों ने ये कहा कि हमने देखा नहीं है लेकिन हमने उसको सुना है और वो अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। और जब इस तरह से जमीन पर लोग बात करते हैं तो समझ में आता है कि वो रीच वहाँ तक चली गई है और उसका असर दिखा है, उसको पूरे लोकसभा में हर जगह से वोट मिलना है। और ये शायद एक पॉजिटिव पक्ष भी है। आपने बॉबी को लेकर बहुत प्रॉमिसिंग आपने कहा था कि बहुत प्रॉमिसिंग है, तो आप कैसे देखते हो ओवरऑल उसकी? देखो जैसे गजेंद्र भाई ने बताया कि जिस गंगोत्री की बात कर लो, जो हारता है 22 में वो भी आपके पाले में, जीतने वाले आपके विधायक हैं ही, उसके अलावा उससे पहले के जो विधायक थे उनका परिवार भी आपके साथ है जी। यानी कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर 1300 वोटों से पीछे रह जाता है। पूरे उत्तरकाशी जिले में 64,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं बॉबी पवार को, 26 साल का नौजवान जो 2 महीने पहले निर्णय करता है कि ठीक है अगर ये रोजगार के मसले पर, पेपर लीक के मसले पर सरकार हमारी चिंताओं को दूर नहीं करते हम चुनाव लड़ेंगे। आप कल्पना करिए आप कहाँ बूथ मैनेजमेंट करते हैं, दिल्ली के कॉल सेंटर से आप उत्तराखंड की बूथ मैनेज कर ले रहे हैं, जगह जगह आपका पन्ना प्रमुख घूम रहा है, वहाँ एक लड़का निर्णय करता है, कुछ और सिर्फ लड़के भी मिल जाते हैं कि नहीं हम उतरेंगे, हौसले थे उनके। उस उत्तरकाशी जिले की 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी 50,000 वोट नहीं हासिल कर पाती और वहाँ 64,000 वोट ले जाते हैं। यमुनोत्री में निर्दलीय विधायक आपको सपोर्ट करते जैसे बताया, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाए, उससे पहले के पूर्व विधायक थे वो भी आप ही की साइड में है। पुरूला में आपके पास दुर्गेश्वर लाल आपके विधायक है, जैसे आपने बताया मालचंद से लेकर राजकुमार से लेकर, यानी जो 3-4 जो लाइन के कैंडिडेट होते हैं पक्ष विपक्ष सब आपके पाले में, फिर वहाँ पे बॉबी पवार और चक्राता में, तो जिस तरह बॉबी पवार ने किया है कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस को धकेलते, ये प्रीतम सिंह के लिए सोचने का विषय है, ये मुन्ना सिंह चौहान के लिए सोचने का विषय है कि जौनसार और चक्राता की राजनीति में एक नए सूरज का उदय हो गया है। अब आप लोग चाहेंगे कि बारी बारी का जो चल रहा था वो फिर सिस्टम बंद करेगा बॉबी पवार, और बॉबी पवार बड़ी तैयारी कर रहा है। हाँ, वो इलेक्शन के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमते दिखाई दिए, वो बागेश्वर में भी दिखे, वहाँ उन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया, तो ये तो है कि वो फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं, आप इस प्लानिंग को कैसे देखिए? देखिए आज जब BSP का हाथी है वो उत्तराखंड में दम तोड़ चुका है, UKT नोटा से पिछड़ गई है, ऐसे समय में एक ऑल्टरनेटिव विकल्प यहाँ होना चाहिए। कब तक कांग्रेस बीजेपी चलेगा? बारी बारी की जो चल रही है साझेदारी, बॉबी पवार इसको चुनौती दे रहे हैं, हालांकि इतना आसान भी नहीं है। कुछ नौजवानों को तैयार कर देना बागेश्वर में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में या पुरोला में, ये आसान तो नहीं है, लेकिन एक उम्मीद तो जगा रहा है, राजनीति उम्मीद है। इसी लोकसभा चुनाव में हमने बड़ी उम्मीद देखी, राहुल गांधी को लोग 30-35 तक समेट रहे थे, खासतौर पर एग्जिट पोल्स के बाद, तो इस बार तो कांग्रेस का तो मरसिया पड़ दिया गया था, वो 100 के आसपास पहुंच जाते हैं, जिनको हमने 300 प्लस सीटें दे रहे थे वो 250 से नीचे रह जाते, 272 उनके लिए दूर की कौड़ी हो जाती, तो सियासत ऐसे उम्मीद जगाती है। बॉबी पवार इस चुनाव के उत्तराखंड की इकलौती यही एक उम्मीद है जो बताता है कि वो मुद्दों पर अगर टिके रहेंगे
अगर डाइल्यूजन नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर वोटर्स का फेथ उसमें बढ़ने वाला है। और लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट बटोरना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई होती है, भारत की सरकार बनाने की और एक सरकार को गिराने की लड़ाई होती है, उसमें निर्दलीय बहुत कमजोर होता है। लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन आएगा और अगर बॉबी पवार इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को, तो जिस टेरेन में बॉबी ने अच्छा वोट हासिल किया, वहां निश्चित तौर पर 7-8 विधानसभा सीटों में चिंतित होने की जरूरत। इन सारे परिणामों को, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से कैसे देखते हैं, और खासकर तब जब भाजपा का वोट बैंक इस बार गिरा है, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बॉबी पवार को लेकर ये पवार मेरे दौर में ध्यान आया मुझे, क्योंकि चुनाव के बीच में परेड ग्राउंड में जो है आज तक का कंपेन वो आता है एक हेलीकॉप्टर वाला कार्यक्रम, मैं मुन्ना सिंह चौहान बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई ये बॉबी पवार है यहाँ पर, जो बोला मैंने इसको कभी देखा नहीं है। मैंने कहा भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं आप यहाँ, बोला अच्छा, बोला लड़ते रहते हैं लोग बाग चुनाव। मैंने बॉबी को बोला, मैंने कहा आदमी से मिले नहीं, तो मैंने देखा कि मतलब जो मुन्ना सिंह की जो आंखें हैं जो राजनीति पढ़ने की, वो शायद उनको पढ़ रही थी, और इसलिए वो इस प्रकार दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि इस प्रकार से मतलब रिएक्ट करो कि कुछ है ही नहीं। आने वाले समय में अगर बॉबी पवार के बारे में जैसे आपने कहा कि भाई वो आशा उम्मीद की वो है पूरे प्रदेश में भी अच्छा हो सकता है, अगर बॉबी पवार ने वो 27,000 लोग पकड़ लिए उस चक्रा था विधानसभा के, तो निश्चित रूप से जो वहाँ पर अभी तक ये रहा है कि मुन्ना सिंह वर्सेस जो है ये प्रीतम सिंह, ये तिलस्म भी टूट सकता है। और ये इस प्रकार के तिलस्म पहले भी टूटे, एक टाइम पे वहाँ बताते थे कि गुलाब सिंह की सल्तनत थी, उसको चुनौती मुन्ना सिंह ने दी थी 89 में, उसके बाद से आज ये स्थितियाँ बदली हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो युवा सामने आते हैं ये आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बड़ी चिंता है। ये चिंता में इसलिए मुझे लगती है कि जो बीजेपी है, जो बीजेपी चुने हुए विधायकों को ले जा रही, चुने हुए सांसदों को ले जा रही, वो आदमी जो नामांकन करने जा रहा उसका नामांकन वापस करा दिया, उनके पास साम दाम दंड भेद तमाम तरह की ताकत पूरे देश ने देख ली, उनके पास सब कुछ है। तो सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि वो कहीं बॉबी पवार को ना पकड़ ले, वो ये ना बोल दें कि इस बात के लिए तैयार ना कर दें कि भाई चलो हम आज चक्रता से आपको टिकट दे देंगे। उन्होंने ये प्रस्ताव चुनाव 2022 के चुनाव में कर्नल कोठियाल को दिया था कि आपको जो है ये जो सविता कपूर वाली सीट है ये वाली हम आपको दे देते हैं, आप वहाँ से जो बाहर आइए। आज कर्नल कोठियाल वहीं चले गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी खत्म करी तमाम चीज़ें। तो ये इस प्रकार के जो युवा हैं, जो ताकत है, जो आवाज़ उठती है, और जो बातें अभी हमने कल सिक्किम जो परिणाम आया कि 32 में से एक व्यक्ति जो 31 सीटें लेके चले गए, बहुत बड़ा अंतर है। और जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, उन जिनका हाईकमान दिल्ली में नहीं बैठता है, उन राज्यों में बनस्पत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है, चाहे वो दिल्ली में है, पंजाब में है। खासकर ऐसा है कि वहाँ पर क्षेत्रीय दल काफ़ी अच्छा करते हैं, यहाँ पर भी है। वहाँ की स्थितियाँ अगर हम यहाँ के उत्तर के हिमालयी राज्यों की तुलना करें तो उनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ भी है। हमने कहा ना कि अगर केजरीवाल खुद के डिसीजन ले रहे तो काम हो रहे थे, पंजाब में डिसीजन ले रहे थे, नीतीश कुमार काम कर रहे थे, दक्षिण में जितने राज्यों में आप चले वो फ्रेंडली अपना काम करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पुष्कर सिंह धामी जी की तरह जाने ही जाना पूछना पड़ता कि भाई ये टीरी के डीएम को ये जगह किसको लाना है, ये हरिद्वार के पुलिस कप्तान की जगह किसको लाना है, उत्तरकाशी के जो है एसडीएम को हटाना क्या करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें दिल्ली केंद्रित है, और ये हाईकमान बेस्ड जो चीज़ है उससे उत्तराखंड को बहुत नुकसान हुआ है। वो नुकसान ना हो तो निश्चित रूप से जो ऐसी ताकत है, ऐसे लड़के जो काम कर सकते हैं, उनको आगे आने की जरूरत है। और इस चुनाव से जो आपने कहा कि क्या आगे आने वाले समय में वो आएगा, इस चुनाव ने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी कर दी है। उनके जिस प्रकार से वोट परसेंटेज डाउन आया है, और अब जो बात मैंने कही कि विजयपाल सजवाणा को लाए थे तो हासिल क्या हुआ, वो वहां पर जो है संजय डोभाल से समर्थन लिया तो क्या हासिल हुआ, आपने दिनेश जैन को लाए तो आपको क्या हासिल हुआ, आप जितने भी लोगों को आपने मतलब 14-15 ऐसे लोगों को ले आए जो 2022 में चुनाव लड़ रहे थे, उनसे क्या हुआ। और इनके इनका नाम तो अभी बीजेपी के लोग अग्निवीर इनको बताते हैं, अग्निवीर हैं। अभी कल परसों से आप देखना ये सब इनका डाटा सामने आने वाला है कि दिनेश दले के बूथ पर वो बॉबी पवार को इतना सारा वोट कैसे पड़ गया, किशोर उपाध्याय के बूथ पर वोट कैसे पड़ गया, विजयपाल सजवाण क्या कर रहे थे, मालचंद क्या कर रहे थे, ये सारी समीक्षा होने वाली है। और हो सकता है कि ये जो अब आने वाले समय में आपको निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो देखने को मिलेंगे, उस चुनाव के आते आते ये सारे जो अग्निवीर हैं ये आपको दाएं बाएं होते दिखे, मैं देख लूंगा इनको। तो लास्ट सवाल मेरा आपसे भवन जी, एक और बात कही कि तिलिस्म टूट रहा है, जैसे बॉबी ने चक्राता का तिलिस्म तोड़ दिया, क्या आप अगले विधानसभा से पहले जो भाजपा का एक तिलिस्म प्रखंड में बना हुआ है, जिस तरह से वो कहते हैं कि वो उसको जीता नहीं जा सकता,
लेकिन क्या आप उसे टूटता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सियासत देश की दिल्ली से चलती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से बहुत प्रचंड ताकत के साथ बैठे हुए थे। वो जो ब्रांड मोदी इमेज थी उसमें इस बार बहुत बड़े क्रैक्स आ गए हैं। अब कल्पना करिए कि 2014 में जो ब्रांड मोदी एक ऐसी लहर लेके आते हैं कि अपने बूते 282 जो अटल आडवाणी नहीं कर पाए था उम्र, वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। 2019 में उससे भी बड़ी ताकत, और 2024 में जब राम मंदिर, धारा 370 से लेकर के बहुत कुछ सपोर्ट आपके पास थी, और आपने देश में कोई दल ऐसा छोड़ा नहीं जिसके आदमी को आपने तोड़ा नहीं हो, कोई पार्टी नहीं छोड़ी आपने, जो आपको लग रहा था जीत रहा है वो आपने अपने पाले में ले लिया, उसके बावजूद आप 272 को तरस गए। तो जब दिल्ली जब कमजोर हो जाती है, तो जो डबल इंजन का जो मुख्य इंजन दिल्ली कमजोर हो गया, तो निश्चित तौर पर जो राज्यों में भी बीजेपी की जो सेकंड इंजन है जी, उन पर असर आएगा, और निश्चित तौर पर त्रिस्म टूटेगा। जो गजेंद्र रावत जी ने कहा कि जिनको सियासत के अग्निवीर कहा, जो गए हैं वहां पे, क्या वो अब 4 साल का टेन्योर पूरा करेंगे जी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेचैनी होने लगेगी, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के दिग्गजों के सरेंडर का चुनाव था उत्तराखंड में जी, वरना नतीजे इतने खराब नहीं होते, खाता खुल सकता था। लेकिन हरीश रावत ने सरेंडर कर दिया, प्रीतम सिंह ने सरेंडर कर दिया, यशपाल आर्य ने सरेंडर कर दिया, करण महाराज सरेंडर मोड में थे, हरक सिंह सरेंडर मोड में थे छापे के बाद में, तो सारे नेता सरेंडर मोड में थे। तब ये कांग्रेस का हाल है, तब 4.5% बीजेपी का वोट परसेंटेज कम हो गया, तब बॉबी पवार जैसे लोग खड़े हो गए जो टिहरी के अंदर 19% वोट ले जाते हैं, कांग्रेस मात्र 22% वोट ले पाती है। पॉइंट ये है कि 27 खिलाड़ी बड़ी भीषण होने वाली है, और दिल्ली कमजोर होगी तो उतना बैकअप अब दिल्ली से देहरादून को यानी उत्तराखंड को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे बीजेपी को, इसलिए लड़ाई बहुत तीखी होने वाली है। और जो सबका मन कर रहा था बीजेपी में चले जाएं, वो अब थोड़ा सा वो जो सियासत के अग्निवीर हैं वो लौटना भी शुरू कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री जोड़ रहा हूँ, कांग्रेस किसी जिस तरह से कमजोर है तो उसके बावजूद इस तरह की स्थितियाँ बन पाएंगी, या फिर जो हम बात कर रहे हैं कि जो बॉबी पवार वाली बात है वो इतना, देखिए 2019 में कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर लीड थी, लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को गई थी, असेंबली की 5 सेगमेंट में कांग्रेस आ गई थी, लेकिन जब 2022 का चुनाव आया तो 19 सीट जीत जाती, बहुत सारी गलतियां करके जब चुनाव लड़ती है तो 19 सीट जीत जाती है, जिसमें चीफ असिस्टिंग चीफ मिनिस्टर भी चुनाव हार जाते हैं। तो इस बार वो 7 सीटों पर उसकी लीड है, बहुत छोटे अंतर की लीड है, लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग होता है, असेंबली का चुनाव अलग होता है। निश्चित तौर पर जब दिल्ली में अगर बीजेपी कमजोर होगी तो उसका खामियाजा राज्यों में भुगतना पड़ेगा, ये हम हरियाणा महाराष्ट्र में देख सकते हैं, फिर अगले साल हम बिहार और दिल्ली में भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है 2027 का चुनाव जो कल के नतीजे के बाद, पहले नहीं लग रहा था कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव लड़ पाएगी, लेकिन अब कांग्रेस के जो बिल्कुल थके हाल नेता थे अब उनमें नई ऊर्जा आएगी, और उनको लगेगा कि जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी कमजोर कर सकते हैं तो हम यहां पर भी कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और इसकी झाकी हमें नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इस चुनाव ने सियासत की फिजा को बदल दिया है उत्तराखंड में, ये फिजा कितनी बदलेगी वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटों का ये एक छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश थी, तीरंदाज में इतना ही।